हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे ही दोस्तों आप अपने इन्फिनिक्स के मोबाइल में वाईफाई को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों वाईफाई यूजफुल सेटिंग बताऊँगा कैसे ही आप भी अपने इन्फिनिक्स में वाईफाई सेटिंग को यूज़ कर सकते हो, किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करना है। फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके इन्फिनिक्स के मोबाइल में। तो दोस्तों आपको अपने इन्फिनिक्स वाले मोबाइल में पहले वाईफाई पे क्लिक कर लेना है, और वाईफाई पे क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में वाईफाई ऑफ है तो पहले आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने का जो भी आपका नेटवर्क है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स मेरे पे मुकेश नाम से वाईफाई नेटवर्क है, मैं इस पर क्लिक करके इसका पासवर्ड यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। तो आप भी वाईफाई पासवर्ड को इंटर कर दो इस तरीके से, और यहाँ पर अपने वाईफाई पासवर्ड को आप चेक कर सकते हो। और अगर आप अपने वाईफाई पासवर्ड कॉपी करके रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉपी करके रख सकते हो, जिससे कि बाद में आपको बार बार वाईफाई पासवर्ड इंटर नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ऐसे क्लिक करोगे आपका वाईफाई पासवर्ड इंटर हो जाएगा। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा आपके इन्फिनिक्स के मोबाइल में, इन्फिनिक्स के मोबाइल में, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अभी कनेक्ट हो चुका है, बट हाँ अब हो गया ये, और अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यूट्यूब वगैरह एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यूट्यूब ऑन कर लिया है, और मैं यूट्यूब वगैरह चला सकता हूँ अपने फ़ोन में। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में। दोस्तों वापस सिर्फ वाईफाई सेटिंग में जाना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे दोस्तों आप किसी भी वाईफाई क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी पासवर्ड के। बस आपको वाईफाई क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, आपके फ़ोन में वो कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो सेव नेटवर्क, यहाँ पर आप अपने वाईफाई नेटवर्क चेक कर सकते हो। जो जो आप नेटवर्क कनेक्ट करके फिर डिसकनेक्ट कर देते हो वो यहाँ पे शो हो जाते हैं, और फिर आप यहाँ से वापस से क्लिक करके यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हो। शेयर करना चाहते हो यहाँ से नियर बाई डिवाइस, आप इसको शेयर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप क्लिक कर देते हो फॉरगेट पे तो आपका सेव नेटवर्क यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो भी आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा वो भी आपके फ़ोन में रिमूव हो जाएगा, फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और दोस्तों सबसे लास्ट आपको देखने को मिलेगा वाईफाई डाटा यूजेस। तो दोस्तों यहाँ पर आप डेट बाई डेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपने वाईफाई डाटा यूजेस को अपने फ़ोन में। दोस्तों कुछ इस तरीके से हम वाईफाई डाटा यूज़ को चेक भी कर सकते हैं, और वाईफाई सेटिंग को हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको दोबारा से पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड मैंने कॉपी कर रखा था, तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। फिर दोस्तों इस तरीके से आप भी वाईफाई सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।